بسم الله الرحمن الرحيم. Good evening, sir. I'm Aniruddha from Believer in Science. I'm a student and I'm an atheist. And my study of science has taught me that there's no religion. Religion is a farce. I believe God doesn't exist. And religion is nothing more than a medieval hangover. It has no place in the 21st century. But since many of my friends believe in one religion or the other, invariably we end up discussing religion. I haven't been able to get satisfactory answers to some of my questions, and they suggested that I ask these questions to you. Now, these are not exactly my queries or questions, but rather arguments, and I would like to know your views on them. In the absence of any material evidence, don't you think religion is nothing but a blind faith? Because any body of knowledge, be it science, economics, history, geography, anything, it needs some material basis. Secondly, don't you think... Just let me complete. No, you can ask. You have two questions. One is you are Nastik. Only one. No, Nastik is a big question. I will prove it first, then you will have your answer, inshallah. All right. Inshallah, you can ask later. All right. I will give you an answer again. Then you can ask again. Inshallah, I will give you a chance. भाई साहब उर्दू समझते हैं हिंदी समझते हैं आपको ना हाँ मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं मैं समझती ना नहीं नहीं आपकी हिंदी अच्छी है नहीं नहीं मेरी हिंदी मैं जानता हूँ अच्छी नहीं अच्छा मुंबई की है उसमें ग्रामेटिक ले रहे थे लेकिन लोग को समझने में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम पहुंच जाता मैं खुश हूँ लोग कहेंगे जाकिर को उर्दू नहीं आती हिंदी नहीं आती चलेगा दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूँ क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना जरूरी नहीं है भाई साहब का पहला सवाल था उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूं आई एम एन एथियस्ट और मैं खुदा में नहीं मानता हूं लेकिन मैं साइंस में मानता हूं और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है ये पहला सवाल था दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त हैं जो रिलीजन में मानते हैं मजहब में मानते हैं कई बार डिस्कशन होता है तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए हो सकता है जरूरी नहीं हो सकता है वो जवाब दे और आप इनके जवाब से मुतमइन हो तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस कोई चीज अगर कहते हैं बुक है तो किताब मटेरियल एविडेंस होना जरूरी है वरना ये गलत है मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा फिर पहले पे आऊंगा मैं सब मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट ये साइंस कहती है मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं आपने ये कहा कि साइंस ने साबित नहीं किया यह आपने कहा इस बात को मानता हूं लेकिन यह कहना कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट इट इज नॉट ट्रू इट इज नॉट ट्रू अक्सर एविडेंस इज मस्ट लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है मंतिक आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से तो मटेरियल होना जरूरी नहीं है जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि तीन स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड लिक्विड गैस बराबर अभी हम जानते हैं कि फोर्थ स्टेट आ गया कॉलेज प्लाज्मा इंटरस्टिलर मैटर हम कहते थे वैक्यूम वैक्यूम मटेरियल नहीं बड़ा वैक्यूम में मानते तो ये जरूरी है मटेरियल होना जरूरी है अक्सर होना चाहिए बट फर्ज नहीं है लेकिन मंतिक से लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है अमेरिका मटेरियल है ठीक है जमीन है आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं है अमेरिका का फोटो देखना जरूरी नहीं है अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं तो आप संतुष्ट होंगे आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है उसी तरीके से वैक्यूम इसी तरीके से कितने चीजें हैं जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस कई चीज जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है वो अपने लॉजिक से प्रूफ करते हैं जैसे सो मेनी बिलियन ऑफ इयर्स देयर इज नो प्रूफ मटेरियल प्रूफ वो लॉजिक से प्रूफ करते कि स्टार इतना दूर है लाइट ट्रेवल्स एट सो एंड सो स्पीड लॉजिक इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस आप समझे ना बट अक्सर आम तौर पे मटेरियल एविडेंस है लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है ठीक है ना इफ आई कुड ऐड समथिंग टू दिस दिस मीन्स साइंस इज डायनामिक वेयर एज रिलीजन इज स्टैटिक यू कांट क्वेश्चन एनीथिंग दैट हैज बीन टोल्ड टू यू बाय योर एंसेस्टर्स इन रिलीजन विच इज नॉट द केस इन साइंस I can just walk in and challenge any big scientist on merit. But religion doesn't allow that. भाई साहब अच्छा सवाल है अहम सवाल है
कि साइंस डायनामिक है, मतलब डायनामिक बढ़ते जा रहा है. इट्स इवॉल्विंग एवरी डे. इट्स इवॉल्विंग एवरी डे. और मजहब स्टैटिक है, मतलब एकदम रुका हुआ है. मैं साइंस को चैलेंज कर सकता हूँ, मजहब को नहीं कर सकता हूँ. साइंस बढ़ते जा रहा है, तरक्की करते हैं, मजहब तरक्की नहीं कर रहा है. आप बिल्कुल सही फरमाते हैं. इस्लाम के अलावा दीगर मजाहिब के बारे में जो कह रहे बिल्कुल सही है. यू कैन नॉट चैलेंज अदर, लेकिन इस्लाम को आप चैलेंज कर सकते हैं. इसीलिए आप खड़े इधर, आपका यहां वजूद, आपका मुझसे सवाल करना सबूत है कि हम चाहते हैं कि आप इस्लाम को चैलेंज करो. इसीलिए कुरान मजीद में 332 बार कहा गया है कालू, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा. अल्लाह ने फरमाया कुल, उनसे कहो, मतलब सवाल जवाब का सेशन. कई सवाल लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सूरज के बारे में जवाब है ये. लोग ने पूछा खमर के बारे में, सूरह बकरा सूरह 219. जब उन्होंने पूछा खमर के बारे में यानी अल्कोहल शराब, कहो उसमें अच्छाई भी है बुराई भी, बुराई अच्छाई से ज्यादा है, जवाब आ गया. उस वक्त अल्लाह के रसूल जब मौजूद थे उस वक्त लोगों ने चैलेंज किया, आज भी करते करते रहेंगे. जहां आपका सवाल रहा कि साइंस इज एडवांसिंग, रिलीजन स्टैटिक, कुछ बातों में मैं मानता हूं जब आप चोटी पे पहुंच गई है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड इज विच, विच माउंट एवरेस्ट. अब माउंट एवरेस्ट पहुंच गए, उसके ऊंचा क्या जाएंगे, स्पेस में जा सकते हैं, लेकिन धरती पे आप बोलेंगे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गए तो उसके आगे तरक्की करने की जरूरत ही नहीं. तो कुछ चीजें मिसाल के तौर पे खुदा एक है, वो हक ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं. बट कुछ आयतें कुरान की ऐसी है कि आपको कुरान मजीद में जो अरबी अल्फाज है, कुछ अल्फाज के कई मानी है. एक आपको एग्जांपल दूंगा, फिर आपके पहले क्वेश्चन पे आऊंगा जो बहुत अहम है कि आप नास्तिक है. मिसाल के तौर पे पहली आयत जो नाजिल हुई थी कुरान मजीद में, इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया, पैदा किया खून के लोतड़े से. आज साइंस एडवांस हुई, पहले लोग कहते थे कि इंसान खून से बना, ये पहले के लोग कहते थे. फिर साइंस एडवांस हुई, बोले खून से बना ही नहीं इंसान. फिर हम देखते अलग के तीन चार मानी है. एक मानी है अलग के खून का लोतड़ा, दूसरे मानी अलग के है क्लिंगिंग यानी चिपकना, क्लिंगिंग. तीसरी मानी है लीच लाइक सब्सटेंस, जॉक, लीच लाइक सब्सटेंस. तीन मानी है. अभी साइंस जब एडवांस हुई तो कुरान में लिखा है फसअलु अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43. इसमें लिखा है अगर आपको नहीं पता उनके पास जाओ जो इस फील्ड के माहिर है, भले गैर मुस्लिम है. तो कुछ अरबों ने तकरीबन 30 साल पहले इसका ट्रांसलेशन लेके गए प्रोफेसर कीथ मूर के पास, जो एम्ब्रियोलॉजी के मैदान में उस वक्त नंबर वन था दुनिया में. ही वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. उनके पास जब तर्जुमा लेके गए काफी आयतों के, बोले अक्सर चीजें जो कुरान मजीद में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में लिखी है 100% सही है. और कई चीजें अगर आप मुझे 30 साल पहले पूछते तो मुझे खुद पता नहीं था, लेकिन एक चीज इसमें से अब भी मैंने कहता हूं सही है, ये भी नहीं कहता हूं गलत है क्योंकि खुद भी नहीं जानता हूं. एक चीज थी आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, के पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया एक अलका से, लीच लाइक सब्सटेंस. मुझे पता नहीं कि जब बच्चा पैदा होता है शुरुआत में इन द एम्ब्रियोलॉजी के स्टेज, एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस का मैदान है, मेडिसिन का सब्जेक्ट है, मतलब जब बच्चा जब पैदा होता है अपनी मां की कोख में, पेट में जो मरहले रहते हैं, द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द मदर्स वूम इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी. तो प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा मुझे नहीं पता कि बच्चा जब शुरुआत में जब मां के पेट में रहता है एम्ब्रियोलॉजी के स्टेजेस, वो लीच जैसा लगता है. तो क्या किया उसने, माइक्रोस्कोप में, पावरफुल माइक्रोस्कोप में जाके देखा. इनिशियली बहुत छोटा रहता है, यू कांट सी विद द नेकेड आई, आप आपके आंख से नहीं देख सकते. और उसने कंपेयर किया जोक के फोटोग्राफ से, लीच के फोटोग्राफ से कंपेयर किया, और वो चौंक गया कि बिल्कुल यक्सा है. उस वक्त हमें पता नहीं था, पता लगता है कि कुरान की आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, उस वक्त हम तर्जुमा करते थे खून का लोतरा खून का लोतरा. पहले लोग यकीन करते फिर बोलते तो गलत है, खून का लोतरा तो है ही नहीं, कुरान गलत है. अब पता चला वो खून का लोतरा उसकी मानी नहीं थी, मानी थी लीच लाइक सब्सटेंस.
जब और तहकीक के पता चला कि जब बच्चा अपनी मां के पेट में रहता है, यूट्राइन वॉल को क्लिंग करता है, इट क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल, क्लिंगिंग वर्क भी हो गया। थर्ड हमें पता चला कि मां के पेट में जो बच्चा रहता है वो इट एक्ट लाइक अ लीच ब्लड सकर, वो मां के जरिए खून हासिल करता है लाइक अ ब्लड सकर। तीन मानी सही हो गए। आज ये भी पता चला कि पहले हफ्तों में, पहले चंद हफ्तों में ब्लड खून सर्कुलेट नहीं होता है और दिखने में वो खून का लोतरा लगता है, जो हम समझते थे 20 साल पहले खून का लोतरा गलत तर्जुमा है, आज पता लगता है कि चारों तर्जुमे सही है। खून का लोतरा भी सही है, वो चिपकता है क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल वो भी सही है, वो जॉक लीच जैसा दिखता है वो भी सही है, लीच जैसा बिहेव करता वो भी सही है, चारों सही है। हमें यकीन है कि अल्लाह खुदा हमारा ईश्वर, आप मानेंगे नहीं ईश्वर में अभी, वो इसलिए पहले सवाल का जवाब पहले देखता और अच्छा होता था, वो सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। तो ये कहना कि तरक्की नहीं कर रहा है, कुछ बातों में जहां हम पहुंच चुके हैं चोटी पे, ये कहना इस तरीके से साइंस में भी, साइंस से हार्ट पंप्स ब्लड कभी भी चेंज नहीं होंगे, कितनी भी साइंस तरक्की करे हमको हार्ट के बारे में और चीज पता लग सकती है, उसके चार चेंबर्स है, हर चेंबर के वॉल्व है, वेंट्रिकल और, लेकिन ये चीज कि हार्ट पंप्स ब्लड, दिल खून को पंप करता है, कभी भी नहीं बदलेगा, सही क्या नहीं, मैं डॉक्टर हूं, तब ये हक है, अल्लाह है कि कभी भी नहीं बदलेगा कुछ चीज। तो ये कहना कि साइंस हमेशा तरक्की कर रहा है गलत है, जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उस चीज में तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उसमें तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे पहुंच गया जिस बात पे कभी भी नहीं बदलेगा। आज साइंस कहती है बिग बैंग के बारे में कि हमारी यूनिवर्स एक थी फिर एक धमाका हुआ, वो कभी भी नहीं बदलेगा। ये हो सकता है कि हमें और नॉलेज मिलेंगे, धमाका कैसे हुआ क्या हुआ, तो जितने बाकी थियोरीज थे अबाउट द यूनिवर्स क्रिएशन, स्टडी स्टेट इज प्रूव रॉन्ग, जब स्टीफन हॉकिंस ने प्रूफ किया, इसमें कोई राय नहीं। ये हो सकता है कि और हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है किस तरीके से बैंग हुआ। तो इस तरीके से कुछ चीज साइंस हक है, कभी भी नहीं बदलेंगी, कुछ चीज बदल सकती है। तो मैं जब कुरान और साइंस के बारे में बात करता हूं, उस चीज के बारे में बात करता हूं विच इज द साइंटिफिक फैक्ट, कभी भी नहीं बदलेंगी। मैं आपके पहले सवाल पे आऊंगा, अभी पहले सवाल पे आऊंगा, फिर हो सकता है तीसरे चौथे का जवाब मिल जाए। आपने कहा कि आप नास्तिक है, कहा था नहीं, एथियस्ट है। भाई साहब मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप नास्तिक है। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आपको, सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूं, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूं मैं और मुबारकबाद दे रहा हूं, सोच रहे ना, सोच रहे नहीं क्यों मुबारकबाद मैं आपको बोलता हूं। अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास, वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाल्लाह साइंस पे यकीन करते, आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे क्या नहीं, मानते हैं क्या नहीं, आपके वालिदैन मानते क्या नहीं, वो एग्नोस्टिक है, एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा, वो भी एग्नोस्टिक थे, और उनके परदादा, वो रिलीजियस थे, वो रिलीजियस, कोई भी मानते थे ना, परदादा, आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप अभी ये करते, आप लेकिन जानते तो होंगे आपके दोस्त अब बात करते मजहब के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो आपको होगा कि नहीं, कि मेरे हिंदू दोस्त किस भगवान में मानते, इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं करते दूसरे भगवान की मदद लेता है, आप सोचते होंगे ना, अरे ये कैसा भगवान है, एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए, तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान, ये भगवान में मानने का फायदा क्या है। तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा देर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं, आप समझे ना, आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम के बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देर इज नो गॉड ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते, इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। वो बाकी जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू है क्रिश्चियन है, मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा
कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह बट अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा। डबल काम आपके लिए, आधा काम मेरा हो चुका है, आप समझे ना। इसीलिए आप के साथ मेरा आधा काम हो चुका है, वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा, अरे भाई साहब ईसा अलैहि सलाम खुदा नहीं है, मेरा वक्त जाएगा। हिंदू को बोलने पड़ेगा, भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते गलत है, आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा मानते हैं, दूसरा पार्ट बट अल्लाह इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप माशाल्लाह साइंस में मानते हैं, मैं भी साइंस में मानता हूं, आप साइंस पे यकीन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी लिमिटेड जहां तक के सही है मानता हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एक चीज अगर आपके सामने लेके आऊंगा मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार कोई इंसान देख रहा है, और मैं आपसे पूछूंगा क्या इसका मैकेनिज्म, सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा ये चीज, मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्यूटली डिफरेंट, पहले बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है, मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कौन सा शख्स कहेगा, आपका क्या जवाब है? वो तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले बार स्टडी तो बाद में हुई, मेरा सवाल यह है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा उसके बारे में जो कह सकेगा मैकेनिज्म के बारे में, जो डिस्कवरर है वो, जो डिस्कवर करेगा वो चीज को। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, गाड़ी तो डिस्कवर किसने नहीं किया, वो तो बना रहा है, गाड़ी तो इन्वेंट किया था, इन्वेंट ने बनाया है, वो इन्वेंटर क्या, एक नई गाड़ी लेके आऊंगा बोलूंगा लेटेस्ट मॉडल है, कौन जानता है, आप क्या बोलेंगे गाड़ी को, गाड़ी को अगर ये गाड़ी अभी है, मैं उसको पूछूंगा मारुति कार 800 कौन जानता है, तो आप क्या उस पर तहकीक करेंगे, नहीं, आप क्या बोलेंगे कौन जानता है मारुति 800 के बारे में, आप तहकीक करेंगे जवाब देने के लिए, तहकीक करने पर तो एक हफ्ता एक साल निकल जाएगा, जवाब क्या है, मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता हूं, यह पूछना चाहता हूं कि सबसे पहला शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है, तो क्या जवाब रहेगा आपका, आप साइंटिस्ट है माशाल्लाह, जिसने बनाया रहेगा उसको पता है, जिसने बनाया है, अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो लफ्ज का इधर उधर है, बड़ा मानते हैं कि सबसे पहली बार वो क्या चीज है बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला शख्स कौन है जो इस चीज के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर, तकरीबन मानी एक है, ये जवाब आपके ध्यान में रखिए। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कायनात जो है, ये कायनात यूनिवर्स है, ये वजूद में कैसे आई? ऑन इट्स ओन, साइंस स्टडी कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपने कहा आप साइंस के स्टूडेंट है क्या? नहीं, हाँ हूँ। बिग बैंग, एक्चुअली बिग बैंग थियोरी में मानते हैं। बिग बैंग टुडे इज एन इररिफ्यूटेबल प्रूफ फॉर द साइंटिस्ट, देयर मे बी सम पीपल डिफरिंग, ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में है, सब चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट टुमारो इफ समवन कैन कम अप विद अ बेटर थियोरी एंड ही कैन प्रूव बिग बैंग इज रॉन्ग, समवन कम्स अप, वो कल की बात है। आप तो बोले साइंस एडवांस, एज ऑफ टुडे वी बिलीव इन बिग बैंग, आज के हिसाब से, कल क्या आएगा छोड़ो ना, कल क्या आएगा छोड़ो, आज के हिसाब से आपके इल्म के हिसाब से कायनात कैसे वजूद में आई? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ये बिग बैंग थ्योरी मतलब फर्स्ट द प्राइमरी नेबुला, देयर वाज अ बिग बैंग, अ सेकेंडरी सेपरेशन गिव राइज टू गैलेक्सीज, स्टार्स, सन्स एटसेट्रा। ये बिग बैंग के बारे में पता कब लगा आपको, कितने साल पहले आपके हिसाब से, कुछ आइडिया है? ईयर तो नहीं पता, नहीं तकरीबन कितने साल पहले, तकरीबन नो आइडिया, तकरीबन एग्जैक्ट नहीं पूछा, तकरीबन मुझे या ह्यूमैनिटी को, ह्यूमैनिटी को आपको नहीं, आपको पता चलेगा जब आपने पढ़े, और उसमें ये भी पता लगता है ना, सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साल में मिला, पता है तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया, मे बी 30, 40, 50 ईयर्स। बिल्कुल सही, 30 बोलो 40 बोलो 50, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, सही जवाब तकरीबन 40 साल है, लेकिन 30 बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, 50 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, 60 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन 30, 40, 50, 60 है बराबर। ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में,
अवलम यर लजीन कफुरु, क्या वो काफी नहीं जानते? अन्न समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे। अवलम यर लजीन कफुरु अन्न समावाति वल अर्द कान तरतकन फफतक नौमा, और एक धमाका हुआ और ये अलायदा हुए। डू नॉट द अनबिलीवर्स सी the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. Abhi, this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. Jo Big Bang kehti hai, this is a nutshell. Wo Big Bang mein aap jab jayenge, usme aur aapko expansion milega, billion years pehle hua, 5 billion ya 5 years, that differs opinion. Ye Big Bang ke baad kaun sa gas hai, neon aaya, proton aaya, wo sab discussion. But Big Bang is the irrefutable proof according to scientists. I would like to interfere here, with your permission of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? MashaAllah, bhai sahab ne pucha ki religion ko science ki walking stick kyun chahiye, science ko religion ki zarurat hi nahi hai. Bhai sahab, religion ko science ki zarurat nahi hai, science ko religion ki zarurat hai. Isiliye Albert Einstein, who got a Nobel Prize winner, famous physicist, usne kaha, science without religion is lame and religion without science is blind. That was his personal opinion. I would just like to say one thing. When a doctor... I think it would be better if I just add. No, you can add. But you keep on adding every sentence, the main will go away. Right. Otherwise, every time you can keep on arguing, the whole thing will take 10 hours. For that, we can have a private discussion. Sure. Fine. We'll have a private discussion. We'll discuss 1 hour, 5 hours, 10 hours. Tomorrow night you come. Till morning we'll... No problem. Not that I'm running away, then everyone will think that, you know, why are you giving this person? Is it your personal thing? No. So then, fine. What the main thing is, because if you want to keep on beating, or you can keep on asking counter question, it'll keep on going. No, I don't want to beat around the bush. No, not beating around the bush. Let's get to the main subject first. Let's get to the main subject first. Because then you keep on rowing, then you miss the whole point. As I was saying, that Albert Einstein, the science without religion is lame, and religion without science is blind. ये अल्बर्ट आइंस्टीन का पर्सनल व्यू था, हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है। ये साइंस की बुनियाद है, उसका पर्सनल व्यू है, लेकिन वो पर्सनल व्यू को साबित करता है। आप मानो या नहीं मानो, आप ये कहना चाहे कि वो साइंटिस्ट जो कह रहा है पर्सनल व्यू ने, इट इज इलॉजिकल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी। हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है, जाकिर का व्यू भी पर्सनल व्यू है, आपका व्यू नहीं है। हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत है या नहीं सहमत है, दिस इज साइंस। इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है। आप साइंस का सारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं, इसलिए सारा ले रहा हूं। आप साइंस में नहीं मानेंगे, मैं साइंस का सारा नहीं लूंगा। कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, ताला विला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। वो जो हिंदू पूछता है, मैं हिंदू मजहब की बात कर रहा हूँ, उस टाइम साइंस की नहीं बात किया हूं। वो क्रिश्चियन जो पूछी ईसा अलैहि सलाम के बारे में, मैंने बाइबल की बात किया हूं। ताला विला कलिमतिन सवा इन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है। मैं अगर साइंस की बात नहीं करूंगा, पोइट्री की बात करूंगा, मानेंगे क्या? मैं शेर शायरी करूंगा, बोलेंगे क्या शेर शायर, मैं तो साइंस वाला आदमी हूं। क्योंकि आप साइंस में मानते हो, मैं साइंस की बात कर रहा हूं। मैं वेद कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं। मैं गीता कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं। बाइबल कोट, उधर वेदा कोट किया हूं, गीता कोट किया हूं, उधर साइंस नहीं कोट किया हूं। तो कुरान इज अ मास्टर की, सारे ताले की चाबी है। चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे साइंस हो। लिटरेचर पोएट्री पे भी कर सकता हूं, लेकिन आप पोएट है इन्हें, वैसा तो मैं भी नहीं हूं। आपने कहा साइंस का सारा किधर ले रहे? मैं सारा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप बोलेंगे आप हिंदी में क्यों बात, क्यों हिंदी समझते? कोई जर्मन में बात करो, आप समझेंगे क्या? ये सब मैं भी जर्मन नहीं जानता हूं। क्योंकि आपने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ साइंस। आप अगर नहीं कहते तो साइंस की बात करता ही नहीं था। तो ये सवाल आप ये सवाल करते जा सकते, इट इज जस्ट डाइवर्जन। आप अगर साइंटिस्ट से ये सवाल कर रहे, अगर ये गांव का आदमी मुझे सवाल किया तो मानू भी। आप अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे, फिर बोलते साइंस का सारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते। मेरा सवाल था कि ये चीज कुरान में किसने लिखा बिग बैंग के बारे में? आपके हिसाब से ये कुरान 1400 साल पुराना, ठीक है, ये कुरान में किसने लिखा? I have no idea. I haven't read Quran. नहीं नहीं, लेकिन मैं हवाला दे रहा हूं ना, और आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मे बी प्रॉफेट मोहम्मद, मे बी प्रॉफेट मोहम्मद, मे बी हो सकता है। I don't know. मे बी, ठीक है, सही या गलत, मे बी।
ये दुनिया जो हमारी है, दुनिया का शेप क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस अर्थ? सर्कुलर. सर्कुलस. सर्कल. इट्स ओवॉइड. ओवॉइड. जियोस्फेरिकल. मैं जरा मदद कर रहा हूं क्योंकि मैं जरा साइंस के डिग्री में जरा हायर लेवल, मैं डॉक्टर हूं, आपकी डिग्री क्या पता नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट हूं, तो मदद करना हर इंसान का फर्ज है. सर्कल मतलब फ्लैट है. इट शुड बी स्फेरिकल, यू शुड से. बेटर देन स्फेरिकल इज जियोस्फेरिकल. एग्जैक्ट. करेक्ट ना? सर्कल करेक्ट है, जियोस्फेरिकल करेक्ट है? यू आर राइट. जियोस्फेरिकल. ओवॉइड भी करेक्ट नहीं, जियोस्फेरिकल. ये कभी पता चला आपको? कितने साल पहले? नहीं पता. मैं आपकी मदद करूंगा क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, इस्लाम के अलावा साइंस का स्टूडेंट भी हूं. ये सबसे पहले जो इंसान ने जाना और साबित किया कि द वर्ल्ड इज स्फेरिकल इज सर फ्रांसिस ड्रेक. सन 1577 में जब दुनिया के गोल वो सेल किया, उसने साबित किया कि दुनिया गोल है. कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाजियात में सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, वल अर्ध बाद जालिका दहाहा, और हमने इस अर्थ को, इस जमीन को दहाहा बनाया. दहाहा अरबी लफ्ज जो आता है धुया से, जिसका मतलब एग शेप. और हम जानते हैं अर्थ कंप्लीटली राउंड लाइक अ बॉल नहीं, इट इज फ्लैटेंड फ्रॉम द पोल्स, जियोस्फेरिकल शेप. और ये धुया है, ये आम अंडा नहीं है, इट इज एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शतुर्मुर्ग का अंडा है. और अब शतुर्मुर्ग का अंडा देखेंगे, इट इज जियोस्फेरिकल शेप. तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है कि द अर्थ वॉज जियोस्फेरिकल शेप? मेरा सवाल है, कौन लिख सकता है? उस वक्त कोई जानता था? ये पता कब लगा? 400 साल पहले. तो 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? तभी वो पोस्टुलेट था, अभी ये थियरी बन गया. प्रूव करने के बाद थियरी बन गया, तभी वो पोस्टुलेट था. पोस्टुलेट पढ़े क्या जियोस्फेरिकल शेप? आप अगर स्टूडेंट ऑफ साइंस है, मैं भी स्टूडेंट ऑफ साइंस है, अगर आप गलती करेंगे तो मेरा फर्ज होता है कि आपको सुधारूं. There was no postulate. There was a hypothesis. Probably it was not documented. It was a hypothesis. It is spherical, but no proof. And geospherical तो था ही नहीं. Even Sir Francis Drake, जब दुनिया के गोल गए, उसने ये नहीं कहा कि geospherical है. उसने कहा spherical है. कुरान में लिखा है spherical नहीं, geospherical. It was no postulate, no hypothesis also. Leave aside postulate. It came later on. Geospherical तो और करीब है. कुरान में कौन लिख सकता है? प्रोबेबली सम अर्ली साइंटिस्ट. प्रोबेबली सम अर्ली साइंटिस्ट, ठीक है. अर्ली साइंटिस्ट ने लिखा, पहले बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है, फिर बोले अर्ली साइंटिस्ट, बिग बैंग लिखा, ये लिखा, ठीक है. ये चांद जो है, चांद है, चांद की रोशनी खुद की रोशनी है क्या रिफ्लेक्टेड रोशनी है? रिफ्लेक्टेड. रिफ्लेक्टेड है. कभी पता चला? यस्टरडे. 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, उस पर बहस नहीं करेंगे. कुरान मजीद ने 1400 साल पहले लिखा है सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में कि ये चांद और सूरज, सूरज की खुद की रोशनी है, चांद की रोशनी बोरोड है, ली गई है या रिफ्लेक्टेड है, नूर या मुनीर. तो कौन कुरान में लिख सकता है कि ये चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है, बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड है? पहले हर इंसान समझता था कि चांद की खुद की रोशनी है, कोई भी हाइपोथेसिस भी नहीं था. बराबर ना? ये हाइपोथेसिस भी नहीं था 1000 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की है. स्फेरिकल था, मैं जानता हूं, पीपल ऑफ पाइथागोरस ने कहा था. चांद के बारे में तो किसी ने भी नहीं कहा. कौन लिख सकता है कुरान में 1400 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की नहीं है, ली गई है, बोरोड है, रिफ्लेक्टेड है? कौन लिख सकता है? एक टू माय अर्लियर आंसर. क्या आंसर? सम साइंटिस्ट. पहले बार साइंटिस्ट, सेकेंड बार साइंटिस्ट, थर्ड. लेकिन ये साइंटिस्ट ने जब जाना, दुनिया से कहा क्यों नहीं? Because those times were, those अगर साइंटिस्ट ने कहा, आपकी साइंस की किताब में क्यों नहीं लिखा है? 1400 साल पहले आपके साइंस ने किताब ने बिग बैंग क्यों नहीं लिखा? आपके साइंस की किताब में का वर्ल्ड इज जियोस्फेरिकल क्यों नहीं लिखा है? मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है. मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है क्या 1400 साल पहले चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है? क्यों नहीं? तो आपका यह आर्ग्यूमेंट के साइंटिस्ट ने कहा एक बार तो होएगा, दो बार तो चलेगा, तीसरी बार भी माफ किया. अभी चौथी चीज पूछता हूं मैं, चौथी चीज पूछता हूं के हम जब पढ़े स्कूल में, आपने स्कूल कब पास किया? 2002. मैंने पास किया 1982 में. आपने 20 साल बाद पास किया. मैं जब क्या पढ़ा बोलूंगा, आप क्या पढ़े आप मुझे बोलना. जब मैं 1982 में स्कूल पास किया तो मैंने पढ़ा कि चांद और सूरज दे आर रिवॉल्विंग बट दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस. आपने क्या पढ़ा स्कूल में? चांद और सूरज रोटेट करे एक्सिस के ऊपर क्या नहीं? हाँ.
हाँ लेकिन मैंने पढ़ा, नहीं कर रहे अभी। आपका इल्म स्कूल के अंदर मेरे इल्म के बाद आया, और सही है। जब मैंने पढ़ा स्कूल के अंदर के चांद और सूरज घूम रहे लेकिन अपने महवर पे, अपने एक्सिस पे नहीं रोटेट कर रहे। लेकिन कुरान मजीद की आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में, हुवल्लज़ी खलकल लैल व नहारा, उसने है जिसने बनाया रात और दिन, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलक यसबहून, ये घूम रहे है, रिवॉल्व कर रहे और अपने महवर पे रोटेट भी कर रहे। तो मैंने पढ़ा ये स्कूल के अंदर, मेरे कुरान में दोनों टकराव है, तो मैं इधर चौंक गया। मैं मुस्लिम भी था और साइंस का स्टूडेंट, चौंक गया। अभी साइंस तस्लीम करती है, आपने भी पढ़ा कि सूरज और चांद रोटेट करते, तो जब मैं स्कूल में था मेरी साइंस टीचर ने कहा रोटेट नहीं करती है, आपकी साइंस टीचर ने कहा करती है, अने अभी 20 साल 30 साल पहले पता चला, बिल्कुल सही। तो किसने लिखा ये 1400 साल पहले इस कुरान मजीद में कि सूरज और चांद घूमने के अलावा अपने महवर पे घूम रहे, दे आर रोटेटिंग? एक गुमनाम साइंटिस्ट जिसने इल्म हासिल। साइंटिस्ट का मतलब वो जो तहकीक करता है, तहकीक करता है और साबित करता है। किसी ने भी 1400 साल पहले साबित ही नहीं किया। क्या आपने पढ़ा स्कूल के अंदर क्या 1400 साल पहले साबित हुआ ये? नहीं। तो कैसा कह सकते साइंटिस्ट? आपका आंसर साइंटिफिक है? बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। आपका आंसर लॉजिकल भी नहीं है। आप समझ रहे ना? खाली एक अजम्पशन है। Assumption है, साइंस के assumption में मानता है। If the assumption can be proved, it is right, otherwise it is wrong. Right. If you have an assumption, आप जानते होंगे इसके बारे में, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हैं? उन्होंने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया से कहा, यह भी कहा 6 तरीके, 36 things you can prove my theory wrong. उन्होंने बताया कि इस थ्योरी को गलत साबित करना है, ये 6 चीज करो और मेरी थ्योरी गलत साबित हो जाएगी। दैट मीन दैट्स कॉल्ड एज अ फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। उसको कहते अच्छा साइंटिस्ट। आपके अजम्पशन में कुछ है क्या? फॉल्सिफिकेशन टेस्ट पूरा फॉल्स है, टेस्ट ही नहीं है। अजम्पशन करो 2+2=5, मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। अजम्पशन कैरीज वेट इफ इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक। कुरान में अब भी फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है। आपको कुरान को गलत साबित करने का है, एक इख्तिलाफ निकालो। टेक आउट अ सिंगल कॉन्ट्रडिक्शन इन द कुरान एंड द कुरान विल बी प्रूव्ड रॉन्ग। 1400 साल से न किसी ने किया, न कभी कोई करेगा। कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में कि ये कुरान अल्लाह ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और एक चैलेंज है कि आप कुरान में से एक सूरह जैसा पेश करो, एक सूरह जैसा आप पेश करो। कितने लोग ने कोशिश किया, ना कभी कोई कामयाब था ना कभी रहेगा। कितने फॉल्सिफिकेशन जैसे मेरे तकरीर सुन सकते आप। इसी तरीके से कुरान में लिखा है वाटरसाइकिल जो बना टालिसी कहता है, कुरान में कई आयतें वाटरसाइकिल, हाउ डज द वाटर राइज, गो इनटू क्लाउड्स, फॉल्स इनटू ओशन, फॉल डाउन, कई जगह पे कहा गया है। कुरान मजीद में कहा गया है सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 वर्स नंबर 29, इन सूरह रूम चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 48, इन सूरह हिजा चैप्टर 15 वर्स नंबर 22, इट्स मेंशन इन सूरह मोमिनून चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 18, इन सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 43, इन सूरह अराफ चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 57। आई कैन कीप ऑन गिविंग रेफरेंसेस ओनली ऑफ वॉटर साइकिल जो 1580 में सर बर्नार्ड पैलिसी ने कहा। कौन कह सकता है इसे? कौन लिख सकता है? Quran speaks about biology, that there are sexes in plants, male and female, which we came recently. In Surah Ra, chapter number 13, verse number 3. In Surah Taha, chapter number 20, verse 53. Who could have mentioned that before? Who could have mentioned that? Quran says the animal lives in community, which we came to recently. In Surah Anam, chapter number 6, verse number 38. The Quran speaks about the universe expanding, that Musihona. In Surah Dariyat, chapter number 51, verse number 47. Who could have written this? The Quran speaks about the ocean, the salt water and sweet water. There is a barrier which is forbidden to be trespassed. In Surah Rahman, chapter 55, verse number 19. The Quran speaks about embryology. The Quran speaks about genetics. The Quran speaks about how the mother's womb, that 3 waves of darkness. The Quran speaks about fingerprinting method. That when the unbelievers say that, how will Almighty God resurrect us on the day of judgment when our bones have been buried away and gone into the dust? Almighty God says, not only can He reconstruct your bones, He can even reconstruct your very fingertips. Fingerprinting method was first found by Sir Francis Galton in 1880. Quran mentioned 14. Who could have mentioned this? Who could have mentioned this in the Quran? Do you know your early answer? What was the early answer? What was the early answer? Some anonymous scientist.
That was my earlier answer. No, then you modified. What did you say after that? Some scientist. You are forgetting. Do you want me to show you a recording? I said it was... No, then I corrected. That Maruti Makar, kun bolenga? Aapne kya kaha? Manufacturer. Manufacturer, creator, maker, inventor. That is the correct answer. Oh, scientist, techie karenga, discover karenga, would be the second, number two. The manufacturer may be a scientist or may not be a scientist. Manufacturer is first. The person who does research on it is the second person. The researcher can discover it, but the real word is manufacturer, creator, inventor, not scientist. There are many non-scientist people who make, you know, table chair. Scientist thodi banata hai, carpenter banata hai. So carpenter ko pata hai ki chair kaise rakhna chahiye. Barabar na? Ek special chair carpenter ne banaya. Scientist thodi hai. Aise do pair ki chair jo girti nahi hai, carpenter hai. He is a manufacturer. To ye Quran bhi kisne likha? इस कायनात के मैन्युफैक्चरर ने, इन्वेंटर ने, मेकर ने, इस मेकर, इस इन्वेंटर, इस जो क्रिएटर है, हम अरबी में कहते अल्लाह, इंग्लिश में लोग कहते गॉड. इसीलिए आज की साइंस, दे आर नॉट एलिमिनेटिंग गॉड, दे आर एलिमिनेटिंग मॉडल्स ऑफ गॉड. दैट्स द रीजन फ्रांसिस बेकन, अ वेरी ग्रेट फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट, ही सेड दैट लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स यू एन एथियस्ट. An in-depth knowledge of science makes you a believer in God. Aaj ki science is not eliminating God, the eliminating models of God. La ilaha illallah. So the more science you know, shallow knowledge of science will make you an atheist. In-depth knowledge of science will make you a believer in God. But you will start thinking, this thing cannot be God. A God who can be killed. A God who can die. A God who requires help from a second God, then you are eliminating. This cannot be God. This cannot be God. La ilaha, la ilaha. No God, no God. But Allah, the creator of this universe, the manufacturer of this universe, the inventor of this universe. So the answer with the help of science, there is no way you can scientifically prove the existence of God except with the help of the Quran. With the help of the Quran, you can scientifically prove the existence of God if he is a true scientist and if unbiased. If he is biased, yet he may keep on beating on the bush. If he is unbiased and if he truly has knowledge of science, like many questions you told, you gave me wrong answers, I helped you, then you agreed with it. So if a person who has true knowledge of science will agree that there is one God, which we call as creator, which we call as sustainer, which we call as maker. In Arabic, we say Allah. Just a final question. Before the final question, do you agree that the author of this is the inventor, the manufacturer of the creation of the universe? You may not know his name. Name is not important. Quran says in Surah Isra, chapter 17, verse 110, Qulidullah vidur rahman ayyamatadu falal asmaul husna. Say call upon him by Allah or by Rahman. Whichever name you call upon him, to him belong the most beautiful names. Final question will come later on. Let's handle one question. See, asking question is very easy. Agree it is right or wrong. Teacher ne ye ne kaha ke pahla right hai ke wrong hai. Teesre pe chauthe pe ja raha hai. I am a person who believes in doing few things but properly. I am a scientist. I don't know whether you are a scientist or not, though you claim to be. I am not a scientist. I never said I am a scientist. I said I am a student of science. Fine. Student of science means not a good scientist, but scientist. But chota mota hai na. Student of scientist will not be a geologist. A student of science is not expert. So we believe in at least solving one thing properly rather than jumping on 20 things. Correct? So I'm asking you, do you agree that the author of this Quran is the inventor, is the maker of this universe? No, because I believe, I assume. It is not the question of assumption. I asked you so many questions. You kept on giving the answer. But 2 plus 2 is equal to 4, agreed. 4 plus 2 is equal to 6, you agree. 6 plus 2 is equal to 8, you agree. No, but 2 plus 2 is not equal to 4. You already said 2 plus 2 is equal to 4. I don't know who wrote Quran. Fine. I'm not asking who wrote. Who could have mentioned it? You agreed with it has to be the creator. You don't know the name. I'm not asking you the name. I'm telling you about the entity. Name is not important. So name. You believe there's an entity that created the world? Correct. Just one minute. I don't believe. Whether I believe or not is not important. You agreed with it. That entity you called as the creator, as the manufacturer.
Let's not jump to a second question. Whether I agree or not is irrelevant now. You said that, and I proved with your statement what you call him is secondary. With all due respect, please don't put words in my mouth. You said, didn't you say creator? Not didn't in this context. Didn't you say inventor for the car? For the car, yeah. It was context specific. I asked you something which you don't know about. Who would say? Again, you went to the same answer. The inventor, the manufacturer. So this also, the author has to be the same. When you say A plus 2 is equal to 4, A becomes? A plus 2 is equal to 4. So A is equal to? 2. 2 you minus from here, 4 minus 2, A is equal to 2. No, but I never said it is equal to 2. But you agreed A plus 2 is equal to 4. So as a scientist, I have to agree with you. You said A is equal to 2. That means you don't know math, so it's not worth talking about science. You agreed with it that the person is a creator. It's being recorded on so many cameras. I think more than 25 cameras. And you are saying I'm putting words in your mouth. No, you are laying an allegation against me. As though I'm telling a lie. Brother, am I telling a lie? I'm not saying that. So it is simple. It's simple equation. If you cannot believe in this equation, then what is the discussion? What is the use of talking about science? That means you're not a student of science also. Leave us that scientist. You have to agree what you say. If you backtrack, then you are wasting time here. If you made a mistake, you say you made a mistake. If you agree, you have to agree. You can't just because you are being proved something which you didn't want to be proved, that means you're not truthful to yourself. That means a shooting and then drawing the bullseye. You understand? If you got the answer by a technique I used using science, now because the answer is so easy, you are not accepting it because it goes against your assumption. In science, if the experiment goes against your assumption, you change your assumption, right or wrong? So why are you changing your assumption? That means you're not a scientist. You can make assumption, you do experiment. If it matches the assumption, it is right. If it doesn't match, you change your assumption. So do you change your assumption that? Do you change your assumption or not? I believe the creator are natural forces. Forget which force it is. There is a creator or not is my question. What do you want to discuss first? Point number one, we have to believe there is a creator. Finish. In an abstract sense, yes. Whether abstract or physical, we'll discuss tomorrow. Is there creator or not? But then the question is... Don't ask me a second question, please. You are the longest, we have given you time. Don't take advantage of because there are so many people standing in the queue there. Let's not waste time. I want to finish it within less than a minute. Okay. Is there creator or not? Do you agree, yes or no? Whether abstract or not, we'll discuss tomorrow. Tomorrow means not tomorrow. Means tomorrow means if you want to discuss, inshallah, in my cabin after the lecture gets over, 11 o'clock onwards, no problem. For 1 hour, 2 hours, 5 hours, 10 hours, I'll give you time. After 11 p.m. Done? That means you believe there's a creator. This creator, what we call in Arabic, we'll discuss after. We Muslims in Arabic call as Allah. Some people call as God. So now when you know the true picture of the God, the false picture is removed. So now there is no God but Allah. And what is the more details of Allah? You can see my DVDs. I'll give it to you. On the concept of God in various religions. That will give you more knowledge. And my cassette is the Quran God's word. I request the volunteers to give him a DVD of Is the Quran God's Word? Then we'll discuss more qualities of God after. Hope that answers the question.